सच अ ब्यूटिफुल आउटफिट इन टुडेज़ हॉल वीडियो, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है. सो आज का जो हॉल वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम Amazon एंड इवन फ्रॉम Myntra. ठीक है, सो दोनों वेबसाइट से मैंने कुछ कुछ शॉप किया था और मैंने सोचा कि मैं आपको शो करूँ आज के हॉल वीडियो में. और सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, माय हॉल पैक का लिंक है, जाकर ओपन कीजिए और वहाँ से आप परचेज कर सकते हो. चीज़ें बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, सो मेक श्योर अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है फटाफट से आप अपने लिए पिक कर लेना. ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना. इस तरह का कंटेंट अगर आपको देखना है और तो आपको मिस नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब फिर तो नोटिफिकेशन बेल, और जो है ना इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. YouTube ने जो ये फीचर दिया है ना किसी रीज़न से दिया होता है, सो लाइक करना मत भूलना. ओके, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करने के बाद ऑल ऑप्शन को प्रेस करना, अदरवाइज़ कुछ कुछ वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आती है, सो मेक श्योर आप ये सब चीज़ें कर लो. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जैसे कि मैंने पहला आउटफिट आपको दिखाया था स्क्रीन पर, वो ये वाला है एंड द ब्रांड नेम इज़ इंडो एरा. आई लव द वे इट इज़. इस पर जो थ्रेड से काम किया गया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. सो इन केस इफ़ देर इज़ एनी ओकेजन इन योर फैमिली, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउटफिट. ये मैंने अमेज़ोन से बाय किया है, जहाँ से जो भी मैंने बाय किया होगा मैं आपको वही बताऊँगी. कुछ भी ऐसा नहीं कि कहीं और से बाय किया, कहीं और से दिखाया, नो. ओके, सो यस, ये मैंने अमेज़ोन से बाय किया है. जिस भी लिंक से मैंने बाय किया है मैं उसी का लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी. सो साइज इज़ स्मॉल, ठीक है. और ये जो है ना आउटफिट कुछ इस तरह से है. इसका शेड जो है ना डार्क पिंक शेड है और इस पर इस तरह से ब्यूटीफुल थ्रेड वर्क है. मस्टर्ड कलर है, पीच कलर है, पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, इवन मोती से भी काम किया गया है. सो यस, बीड वर्क भी है. सो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है. इस तरह से वी नेक प्रोवाइडेड है एंड लुक एट दिस वर्क. और ये जो मटेरियल है ना, दिस इज़ सिल्क मटेरियल, बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है, वेरी गुड इन क्वालिटी. और इस तरह से इसका लुक है. सो स्ट्रेट कुर्ते का ही लुक दिया है और यहाँ पर नीचे की तरफ छोटा सा कट है और यहाँ पर इस तरह से लेस भी अटैच्ड है. इनर भी प्रोवाइडेड है क्योंकि सिल्क मटेरियल है तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होगा, तो इनर भी दिया हुआ है. यहाँ नीचे भी इस तरह से लेस अटैच्ड है. ओके, और बैक साइड से भी इस तरह से ये प्लेन लुक दिया हुआ है. आई लव द वे इट इज़. बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है इसका. सो डेफिनेटली अगर आपको पसंद आ रहा है ये आउटफिट आप पिक ज़रूर करना. इस तरह से 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड और यहाँ पर भी इस तरह से फैब्रिक अटैच किया गया विच इज़ ट्रांसपेरेंट एंड हैविंग नाइस एम्ब्रॉयडरी. सो थोड़ा सा फ्लेड स्लीव है, कैन सी, ठीक है. सो दिखने में बड़ा प्यारा लग रहा है. इसके साथ जो बॉटम है, दिस इज़ अ प्लेन बॉटम इन सेम कलर. इट इज़ हैविंग इलास्टिक, इट इज़ नॉट हैविंग पॉकेट और ये पैंट स्टाइल है, ठीक है. आगे की तरफ इस तरह से लेस अटैच्ड है विच इज़ अगेन ट्रांसपेरेंट और इस तरह से प्लीटेड लुक दिया हुआ है. सो दिस इज़ ऑल्सो सिल्क मटेरियल. इसके साथ जो दुपट्टा है, दिस इज़ हैविंग फ्लोरल प्रिंट ऑल ओवर. ये पूरे दुपट्टे पर इस तरह से फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है. सो लुक एट दिस. सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे दुपट्टा. इसका जो मटेरियल है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गेन्जा मटेरियल, नहीं होता वैसा वाला मटेरियल है. और आप इसे बस आप पिन कर लो इसे, फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है दुपट्टे को. बहुत ही स्मूथ सा मटेरियल है और लेंथ भी काफ़ी अच्छी है. मुझे ये प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा. सो यस, पहनने के बाद आप देख रहे हो ट्रायल मैंने यहाँ पर किया हुआ है. इट लुक्स ब्यूटिफुल. सो मेक श्योर अगर आपको बाय करना है आप डेफिनेटली कर लेना, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो सेकेंड जो ऑप्शन है, ये अगर आपने मिस कर दिया ना आज के वीडियो में, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप एक आउटफिट मिस कर जाओगे. सो ब्रांड नेम इज़ ऑरेलिया और साइज़ मैंने इसमें भी स्मॉल पिक किया हुआ है. डोंट टेल मी मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल मिला है, मैंने तो स्मॉल पिक किया था. आई डोंट नो मुझे ये फिट होगा भी या नहीं. फिर व्हाट,
इस पर एक्सेल लिखा हुआ है, इस पर एक्स्ट्रा स्मॉल लिखा है, आई डोंट नो, लेट मी सी। सो इस तरह का ये आउटफिट है, मुझे देखते ही काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये ना ऑफिस के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। सो इन केस आप ऑफिस गोइंग है तो ये आप आउटफिट बिल्कुल भी मस्त मिस करना। और ये मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं आएगा, ओ माय गॉड, दिस इज़ एक्स्ट्रा स्मॉल, मैंने तो स्मॉल ऑर्डर किया था। एनीवेज बट दिस इज़ नाइस, ओके, इट इज़ ब्यूटिफुल, लुक एट द मटेरियल, ये बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल है, कॉटन, और ये जो भी आप वर्क देख रहे हो स्ट्राइप्स, दिस इज़ ऑल वोवन, सो इस तरह से वोवन स्ट्राइप्स बने हुए हैं, डिफरेंट थ्रेड्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, और साइड कट प्रोवाइडेड है इस तरह से, और शॉर्ट स्लीव्स है, ठीक है, और यस, ये मटेरियल ना काफ़ी थिक भी है, थिक मतलब ज़्यादा थिक नहीं है बट ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं इसको पहनूं, थोड़ा घुसने की कोशिश करूँगी, अगर घुस पाई तो ठीक है, अगर मैंने ट्रायल नहीं किया तो समझ जाना कि ये मेरे साइज़ का नहीं है, और बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, ओके, सो गुड फॉर ऑफिस, बहुत ब्यूटीफुल है। सो आगे से जो है ना यहाँ पर इस तरह से पॉकेट भी दिया हुआ है जस्ट फॉर शो पर्पज़, यहाँ पर इस तरह से बटन है, ओके, और इसके साथ जो बॉटम है ना ये है पिंक कलर में, और इस तरह से इलास्टिक प्रोवाइडेड है, और ये प्लाजो है, एक्चुअली फ्लेड पैंट है इसके साथ, ठीक है, प्लाजो मतलब वो स्ट्रेट लुक होता है प्लाजो का, नहीं इसका ऐसा नहीं है, ये फ्लेड लुक है, और इसका मटेरियल जो है ना ये बहुत अच्छा सा मटेरियल, दिस इज़ रेयन आई गेस, नॉट इवन रेयन, दिस इज़ कॉटन, बट बहुत ही सॉफ्ट सा कॉटन मटेरियल। लेट मी चेक इफ पॉकेट इज़ देयर, होना चाहिए, नो पॉकेट इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद दिस, नो, सो मुझे मतलब ये ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा लगा लेकिन साइज़ मुझे मेरा नहीं मिला है, सो अगर मैंने नहीं पहना है देन आई एम सॉरी, बट आप ज़रूर पिक करना, ऐसा नहीं कि आपको रॉन्ग साइज़ मिलेगा, दिस इज़ नाइस, ब्यूटिफुल, ओके, सो गेट इट। और इसके बाद जो मैं दिखाऊंगी, सो आई बी शोइंग फ्यू टॉप्स विच आर फ्रॉम मिंत्रा, सो मैंने ये तीन टॉप बाय किए हैं, ठीक है, मिंत्रा से, नाउ दिस आर फ्रॉम ब्रांड जिंजर, मुझे जिंजर ब्रांड के टॉप बहुत पसंद है, सो एक सजेशन है कि अगर आपको टॉप बाय करने हैं तो आप ये ब्रांड ट्राई कर सकते हैं। इवन ये ब्रांड जो है ना, मैं आपको बता दूँ कहाँ अवेलेबल है, आई थिंक ये लाइफस्टाइल में अवेलेबल होते हैं, यस, और मैंने इस तरह के टॉप बाय किए हैं, सो लुक एट द स्ट्रेच, और मैंने इसे मीडियम साइज़ में बाय किया है क्योंकि जिंजर ब्रांड ना मेरे लिए मीडियम काफ़ी परफेक्ट होता है, स्मॉल बहुत सारा टाइट हो जाता है, और इस तरह से शॉर्ट स्लीव्स है विच इज़ अगेन स्ट्रेचेबल, लुक एट द फैब्रिक, फैब्रिक इज़ रियली गुड, इस तरह से फ्लोरल प्रिंट भी दिया हुआ है, वाइट फ्लोरल प्रिंट विथ लीफ, ओके, राउंड नेक प्रोवाइडेड है और स्ट्रेचेबल है काफ़ी ये टॉप, सो पहनने के बाद ना इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है, सो गेट दिस, ओके। इसके बाद मैंने सेम ब्रांड से जो है इवन ये ब्लैक वाला टॉप परचेज़ किया, आई मीन लव लव विद दिस टॉप, अगर आपको ब्लैक पहनना पसंद है सो दिस इज़ लाइक गुड टू गो, जब भी आपको बस पहन कर बस निकलना है, इस तरह के टॉप को चाहिए होता है, सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही स्ट्रेचेबल है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, शॉर्ट स्लीव्स है इस तरह से, ठीक है, और राउंड नेक प्रोवाइडेड है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका फैब्रिक आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है, ओके, एंड आई लव द स्ट्रेच बैक साइड से भी, सो मेक श्योर कि अगर आपको ये टॉप पसंद आ रहा है जस्ट गेट इट, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे इनकी कलेक्शन, और ये थर्ड है, ठीक है, इन दोनों को मैंने तो बहुत बार पहना है, ये मैंने अब तक नहीं पहना बट मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा था इसका, दिस इज़ ऑल्सो इन मीडियम साइज़, और
ये कुछ इस तरह से है. ओके, दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रेचेबल और इसका फैब्रिक आप देख सकते हो, इट इज़ हैविंग फुल स्लीव्स और यहाँ पर इस तरह से लुक दिया हुआ है. ओके, लुक एट दिस. तो यहाँ पे इलास्टिक अटैच्ड है टू गिव अ नाइस लुक टू योर स्लीव्स. और ये टॉप भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो इसका नेक जो है इस तरह से बोट नेक है. और मैंने ये तीनों भी टॉप एक सेम बॉटम के साथ पहने हैं, लेकिन जो बॉटम मैंने पहना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, डोंट वरी. सो दिस इज़ द वन. ओके, नाउ आई हैव बॉट दिस ऑफलाइन, ठीक है, लेकिन मुझे ये ब्रांड जो है ऑनलाइन मिल गया मिंत्रा पर. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका लिंक शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ. ये जो ब्रांड है ना एक्सपोज, ये ब्रांड आपको लाइफ स्टाइल में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो. मैंने अभी लिंक दिया है तो बस आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो वो आप बाय कर सकते हो. सो ये इस तरह की जीन्स मैंने बाय की है और साइज़ मैंने जो है ना इस जीन्स में 30 बाय की है, 30. ओके, क्योंकि मुझे 28 फिट आती है लेकिन 30 मुझे इस ब्रांड में फ़िट आई है. सो आप भी एक साइज़ अप जा सकते हो अगर आपको बाय करना है. ओके, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल जीन्स, स्ट्रेचेबल है. और एक्चुअली दिस जीन्स इज़ नॉट अ नॉर्मल जीन्स, बट इस तरह से वाइड लेग जीन्स है. यहाँ पे इस तरह से क्रश लुक है और काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे इसका लुक. सो यू कैन यू नो वेयर दिस विद हील्स, वो भी अच्छा लगेगा, और इवन शूज़ के साथ भी अच्छा लगेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन यू अब किस तरह से इसे पैर अप करना है, बट मैंने इसे जनरली हील्स के साथ ही पहना है. सो यस, और मैंने वॉश भी किया है. सो दिस इज़ वॉश्ड मटेरियल. मैंने इसे एक दो बार पहना भी है, मैंने वॉश भी कर लिया है. और बैक पॉकेट्स आप देख सकते हो, स्ट्रेचेबल है ये जीन्स, दिखने में बड़ी क्लासी लगती है. इसमें ना एक दो शेड्स और अवेलेबल थे जब मैंने लाइफस्टाइल से बाय किया, लेकिन मुझे ये डार्क शेड ही परफेक्ट लगा. क्योंकि अगर आपकी टमी शो होती है तो मेक श्योर आप डार्क कलर की जीन्स प्रेफर करें पहनना, क्योंकि जब आप बैठते हो वगैरह तो शो हो जाता है, मतलब दिखता है, विच लुक्स वियर्ड. सो इसलिए मुझे लगा कि मुझे डार्क शेड बाय करना चाहिए, और मैंने जब ये बाय किया आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड. ओके, सो येस, आई जस्ट लव दिस जीन्स. मैंने इसका लिंक प्रोवाइड किया है, तो वो आप अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, तो वो भी आप चेक कर लेना. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी फ्लैट पैंट्स. समर्स के लिए फ्लैट पैंट्स वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी, ट्रस्ट मी. जो मैं बोल रही हूँ ना उस पर आप आई जस्ट मीन दोज वर्ड्स, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना समर्स में पैंट्स पहनना, जीन्स पहनना, आई कांट. इसलिए मैंने इवन जीन्स भी इस तरह से फ्लैट जीन्स ली थी. सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ बॉटम ऐसे होने चाहिए आपके पास जो कि फ्लैट हो और आपको बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, एंड यू विल बी कंफर्टेबल फॉर द होल डे. ओके, सो इसलिए फिर मैंने ये ब्रांड ट्राई किया, एंड इट इज़ फ्रॉम मैक्स. मैंने ये स्मॉल साइज़ में ही बाय किया है, क्योंकि मुझे ना लगा कि नहीं ये मुझे सही बैठेगा. सो इसलिए मैंने स्मॉल साइज़ ही बाय किया. एंड लुक एट दिस, इस तरह से टाइप भी है. यू चूज़ योर साइज़, अगर आप मीडियम पहनते हो तो मीडियम ही बाय करना, ऐसा नहीं है, बट मैं जनरली मीडियम पहनती हूँ, लेकिन मुझे स्मॉल भी अच्छे से फिट हो गया. और इस तरह से यहाँ पर इलास्टिक है, इवन टाइप भी दिया हुआ है. एंड लुक एट दिस फ्लैट पैंट, वाओ. इसका जो फैब्रिक है ना, ये कॉटन फैब्रिक है, इस तरह से पॉकेट भी प्रोवाइडेड है. ये फैब्रिक बहुत अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा स्ट्रेच भी है फैब्रिक में, और बैक साइड से भी इसका लुक बड़ा अच्छा आता है पहनने के बाद. सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है. मुझे एक दो लोगों ने कहा भी है कि ये मतलब मुझ पर ये बहुत सूट करता है. सो आई हैव गॉट सच कॉम्प्लीमेंट्स. सो अगर आपको फ्लैट पैंट्स लेने हैं, दिस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, गो फॉर इट. इट इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल, बहुत कम्फर्टेबल. सो ये फिर नहीं मिलेगा, यू नो, जैसे मैंने ये बाय किया
आई स्टार्ट लाइकिंग इट, तो मैं मैक्स भी इवन ऑफलाइन जाकर देखने वाली हूँ कि और ऑप्शंस अगर अवेलेबल है तो मैं अपने लिए बाय कर लूँगी, ताकि अगले पूरा एक साल निकल जाए, क्योंकि फ्लैट पैंट्स में भी दूसरे सीज़न में नहीं आते होंगे, समर्स के लिए अवेलेबल होंगे, आई डोंट नो, सो गेट दिस, ओके। सो मैंने इसे जो बाय किया, आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ माई परचेज। सो एक और फ्लैट पैंट मैं आपको दिखाऊँगी, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मैक्स, ओके। सो दिस इज़ द वन, क्यूलोट भी आप कह सकते हो इसे, सो इट इज़ हैविंग नाइस इलास्टिक, सो स्ट्रेचेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से लुक दिया हुआ है। इसके साथ एक बेल्ट भी आती है विच इज़ इन सेम फैब्रिक, बट मैं वो अपने मैंने वो घर पर छोड़ दिया गलती से, और मैं अपने स्टूडियो में अलग से शूट करती हूँ, ये मेरा घर नहीं है, दिस इज़ माई स्टूडियो। सो घर पर है तो फिर से मैं जाऊँगी तो फिर और लेट हो जाएगा, सो इसीलिए। और यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हो कि इसमें से ही आपको जो है वो बेल्ट डालना होता है, देन यू हैव टू टाई, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल बेल्ट, बेल्ट इन सेंस फैब्रिक ही है जो आपको टाई करना होता है। और ये जो मटेरियल है ना, दिस इज़ इट लाइक पॉलिएस्टर काइंड ऑफ मटेरियल, बट नॉट पॉलिएस्टर एग्जैक्टली, दिस इज़ अ ब्रीदेबल फैब्रिक, और दिन भर के लिए आप इसे अच्छे से कैरी कर सकते हो, बिल्कुल भी क्रीसेस नहीं आते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा क्रश्ड मटेरियल है, इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू, बट फैब्रिक बहुत अच्छा है। मैं इसे दिन भर के लिए पहनती हूँ, और अभी भी मैंने पहना हुआ था, बट जस्ट मैं मुझे आपको दिखाना था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इसे आज के हॉल वीडियो में इंक्लूड करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो हैविंग पॉकेट्स एट बोथ द साइड्स, वेरी कम्फर्टेबल एंड गुड टू गो फॉर द होल डे, ठीक है, सारे सीज़न के लिए चल जाएगा यार। मुझे तो पता नहीं क्यों इस तरह के पैंट्स सारे सीज़न के लिए ही चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो ग्रैब दिस, गेट दिस, ओके। सो इसमें पता नहीं और कलर्स अवेलेबल है या नहीं, आई विल सी, अगर होंगे तो मैं उसे भी लिंक कर दूँगी, लेकिन इसका तो मैं ज़रूर आपको दूँगी, सो येस, गेट दिस पैंट ऑल्सो, ओके। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल सिंबल, साइज़ मैंने स्मॉल पिक किया हुआ है, एंड दिस इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन। सो मैंने एक पिंक कलर में दिखाया था अगर आपको याद होगा तो, सो दिस इज़ अ ड्रेस एक्चुअली, इसमें ड्रेस लिखा है, बट इसका जो लुक है, इसका जो फील है और इसका जो फैब्रिक है, मुझे इससे ये थोड़ा सा नाइट वेयर ज़्यादा लगता है, सो मैंने इसे नाइट में पहनने के लिए लिया है, एंड इट इज़ सुपर गॉर्जियस। सो लुक एट दिस, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, इसमें इस तरह से राउंड नेक प्रोवाइडेड है, इट इज़ स्ट्रेचेबल मटेरियल, ये कॉटन प्लस स्पेंडेक्स मटेरियल है, और इस तरह से शॉर्ट स्लीव्स प्रोवाइडेड है, बेस इसका ब्लू है और इस पर इस तरह से प्रिंट है, ठीक है, लुक एट दिस, वाओ। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काश इसमें पॉकेट भी होता तो मैं और खुश हो जाती, बट काफ़ी फ्लेयर्ड है, ठीक है, नीज़ के नीचे तक मुझे ये आता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल भी है, बैक साइड से भी यू कैन सी हाउ इट लुक्स, सो येस आई लव दिस ड्रेस, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैंने इसे काफ़ी जगह पर पहना, इसका टैग भी निकला हुआ है, आप देख रहे हो, मैंने इसे दो तीन जगह पहना है, अभी तक मैंने इसे वॉश नहीं किया, बट मटेरियल बहुत अच्छा है, सो वॉश करने के बाद भी ये एज इट इज़ होगा फॉर श्योर, कुछ भी नहीं होगा इसे, सो इसलिए मुझे ये फैब्रिक काफ़ी अच्छा लगा। इसमें और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो अपने लिए, ओके। मैंने इसमें पिंक कलर भी लिया है, वो भी सुपर गॉर्जियस है, तो आप एक बार चेक कर लेना। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन, आई गेस येस, आज का हॉल वीडियो इतना ही है। सो कैसा लगा आपको, बस मुझे कमेंट कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो भी कमेंट करते हो प्यारे प्यारे मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर। और येस, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है वीडियो को, कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हो, और अगर आप मेरा चैनल हमेशा देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, इट इज़ टोटली फ्री, ओके। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।